कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे देश में कोटा जिले से एक हौसला बढ़ाने वाली खबर आई है। यहां 101 साल की बुजुर्ग महिला ने अपनी जीवन भर की कमाई 1,06,101 रुपए कोरोना से लड़ाई के लिए जिला कलेक्टर के रिलीफ फंड में समर्पित किए हैं। लीलावती के पुत्र ने बताया कि उनकी मां को जब यह पता चला कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने भी कोविड फंड में सहायता राशि दी है, तो उनसे प्रेरणा लेकर उनकी मां लीलावती जैन ने शनिवार को यह सहायता राशि कोटा जिला कलेक्टर के रिलीफ फंड में दान दे दी, जिससे कोरोना की जंग में जुड़े कार्य में मदद मिल सके। इसमें खास बात यह रही कि एडीएम सिटी आरडी मीणा ने खुद लीलावती के घर आकर इस मदद की राशि का चेक प्राप्त किया। मेरा पहल की है इनके द्वारा, श्रीमती लीलावती जी जैन वाइफ ऑफ हरवंश लाल जी द्वारा। इनकी एज 100 साल से ऊपर की है और इन्होंने, क्योंकि ये कलेक्टेड नहीं पहुंच सकते थे और जो वर्तमान में कोरोना का संक्रमण का जो दौर चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, उसमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनको रिलीफ मिले उनके लिए जिला प्रशासन को अपनी ओर से जो जमा पूंजी थी उसके माध्यम से इन्होंने 1,06,000 का चेक बना के अपनी खुद की जमा पूंजी से इन्होंने प्रशासन को सुपुर्द किया है। और इनके अनुरोध पे ही कि साहब हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, मैं यहाँ ये राशि के चेक को संग्रहण के लिए खुद आया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी के द्वारा अपनी बचत के 25,000 रुपये का दान कोरोना वायरस के फंड के अंदर दिया गया, तो जब ये खबर मैंने अपनी माँ को सुनाई तो माँ का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि मेरी जमा पूंजी, अब मैं मरने वाली हूँ, मैं पता नहीं कब मेरे 100 बसंत पूरे हो जाएं, इससे पहले कि ये किसी और के काम ना आए मैं अपने हाथों से अपने देशवासियों के लिए इसको समर्पण करना चाहती हूँ। तो तुम भी, मैं वहाँ जा नहीं सकती जिलाधीश के कार्यालय में, आप उनसे निवेदन करो कि वो अगर कोई आ जाए, मैं अपने हाथों से ये सहायता करना चाहती हूँ। ये इनकी मनोभावना थी। भैया से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने मेरी ये बात जिला प्रशासन तक पहुंचाई, हिमांशु भाई ने, मैं उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और एडिशनल कलेक्टर साहब इस मौके पर यहां पर पधारे हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद। हरबंस लाल लीलावती जैन परिवार आपका सदा ऋणी रहे।